नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नहीं भारत के लिए दो दो मुश्किलें। भारतीय अस्करी क़यादत के चेहरे की खुशियां मान पड़ गईं। भारत के अस्करी हलकों में हर जगह शोक का समा शुरू हो गया। कुछ देर कबल जहां खुशियां मनाई जा रही थी, खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे थे, अब भारत में वहां खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी हैं। भारतीय अस्करी क़यादत सर पकड़कर बैठ गई है। अब तो जो समझे थे सब कुछ उसके बरक्स कैसे हो गया। ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी भारत लॉबी बनकर काम करने वाले पर भी सख्तातारी हो गया है। पाक फौज में अहम तबादले भारतीय फौज के लिए बिजली बनकर बरस रहे हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर को DGISPR के ओहदे से हटाया गया तो भारत में जश्न शुरू हो गया। भारतीय अस्करी इदारों और भारतीय मीडिया में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी महाज पर मेजर जनरल आसिफ गफूर भारत को नाकों चने चबवा रहे थे। भारत में आसिफ गफूर फिफ्थ जनरेशन के मास्टर माइंड समझे जाते थे। भारतीय मीडिया और भारतीय फौज भी आसिफ गफूर की कारकर्दगी की मोहतरफ थी। गुज़श्ता बरस फरवरी में जब भारत ने पाकिस्तान में जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया था, तो मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ भारत के झूठ को बेनकाब किया था, बल्कि अगले ही रोज जब पाकिस्तान ने भारत के जंगी जहाज मार गिराए थे, तो पूरी दुनिया के सामने भारत की असलियत भी खुलकर सामने आ गई थी। माजी में भारतीय इदारे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पांड ने भारतीय फौज को पाकिस्तान आर्मी के तर्जुमान इदारे ISPR के तर्ज पर बयानियां देने का मशवरा दिया था। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ का कहना था कि भारतीय फौज में अलग अलग पब्लिसिटी विंग्स हैं जो अपने अपने राग अलाप रहे होते हैं, लेकिन आसिफ गफूर की क्यादत में ISPR मौसर अंदाज में बयानियां देता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर की कामयाबियों का इतराफ करते हुए इदारे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पांड का कहना था कि इतलात की जंग में डायरेक्टर जनरल ISPR की बात का वजन है। वो खित्ते की बात करें तो दुनिया महसूस करती है और उनकी कश्मीर पर बात को यूरोप तवज्जो देता है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी चीफ का कहना था कि भारत को भी इस सम्त में देखना होगा। DGISPR हमसे बहुत आगे हैं और पाक फौज का तर्जुमान हर फोर्स की तर्जुमानी करता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर को DGISPR के ओहदे से हटाया गया तो भारत समझ रहा था कि फिफ्थ जनरेशन वॉर में भारत का सबसे बड़ा हरीफ रास्ते से हटा दिया गया है, लेकिन जैसे ही पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तखार को DGISPR और आसिफ गफूर को जनरल कमांडिंग ऑफिसर उकाड़ा लगाने पर भारत का जश्न मातम में तब्दील हो गया, क्योंकि नए DGISPR बाबर इफ्तखार अपने काम में आसिफ गफूर से भी ज़्यादा प्रोफेशनल समझे जाते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तखार इससे कबल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा वो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टरेट में भी डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। माजी में उनके साथ काम करने वाले अफसरान का कहना है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तखार को फौज में एक सख्त गिर अफसर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वो इख्तलाफे राय को भी अहमियत देते हैं। एक जानब मेजर जनरल बाबर इफ्तखार की बतौर DGISPR तैनाती भारत के लिए दर्द सर बन गई है, तो दूसरी जानब मेजर जनरल आसिफ गफूर की बतौर जनरल कमांडिंग ऑफिसर उकाड़ा तैनाती भारत के लिए किसी जौने ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि जनरल बनने के लिए मेजर जनरल की GOC बनना लाजमी है। GOC बनने के बाद आसिफ गफूर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की कर जाएंगे। ISPR के साबिक TG मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने अलविदाई ट्वीट में कहा कि अपने दौर में जिन जिन से मुंसलिक रहा उन तमाम अफराद का शुक्रिया, मीडिया का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, नए DGISPR के लिए दुआकू हूं। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।